अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं सैंडविचेस बना रही थी, क्लब सैंडविचेस, तो मैंने वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। ठीक है, मैंने ज़्यादा और मैंने खुद भी जो है ना, मेरे ख्याल से फ़र्स्ट या सेकेंड टाइम ही ट्राई किया। मैं एक बार खुद ट्राई करती हूँ ऑफ कैमरा के पीछे, ठीक है ना, और जब वो रेसिपी जो अच्छी बनती है फिर उसको मैं जो है ना सेकंड टाइम वो आपके सामने लाती हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, चिकन को बॉईल करके ना, उसका चिकन के अंदर जब आपने बॉईल करना है ना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लेना, ठीक है, और ना साथ आपने ना नमक ऐड कर लेना और चिकन को बॉईल कर लेना। चिकन बॉईल करने के बाद आपने उसको चिकन को बिल्कुल मैश कर लेना, ठीक है, रेज़ा रेज़ा कर लेना। उसके अंदर आपने ऐड करनी है मायोनीस, ठीक है, मायोनीस ऐड करनी है, आपने नमक ऐड करना है और साथ आपने काली मिर्ची ऐड करनी है, ब्लैक पेपर, ठीक है, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो एक ही होती है, एक ही हिसाब होता है। और साथ आपने ना थोड़ी सी ना क्रीम ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, एक से ना दो चम्मच, बिल्कुल थोड़ी सी, जिस तरह मैंने की है, ठीक है। और मेरे पास जो था ना मेयोनीज़ दूसरी नहीं थी, तो फिर आज मुझे ना मिली नहीं थी नीचे ना, तो फिर मैं यही ले आई थी पैकेट्स वाली ना, तो मेरी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना कम पड़ गई थी, तो आप ज़रा ज़्यादा लाइएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ठीक है, ये चिकन बिल्कुल हमारा इजी सा आपने देखा कि तैयार है, ठीक है। साथ आपने क्या करना है कि थोड़ी सी ना आपने बंद गोभी लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर आप और भी बहुत सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, प्याज, या फिर आपका कोई भी आपका अगर मज़े का आपको कोई लगती है सब्ज़ी तो आप ऐड उसको कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या आपने करना है कि मायोनीज़ ऐड करनी है थोड़ी सी, जिस तरह आपने चिकन में की है, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी कम पड़ गई थी लेकिन ये था कि पूरी हो गई थी। और इसके अंदर भी आपने थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है, साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, ब्लैक पेपर और नमक, और अगर आप थोड़ी सी चीनी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं की, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको ब्रेड के अंदर भी लगा के खा सकते हैं, ठीक है, और आप इसको एज अ सैलड जो है साथ भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या मैंने किया है कि पहले मैंने जो है ना ब्रेड ली है, ब्रेड का फर्स्ट स्लाइस लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये जो चिकन तैयार किया वो लगा दिया, ठीक है, अच्छी तरह आपने उसको पीस के ऊपर लगा लेना। बड़ी ब्रेड जो सैंडविचेस के लिए मेन जो यूज़ होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है घर में से मैं सारे काम ना निकाल लेती हूँ, मैं ज़्यादा खज्जल ख्वार नहीं करती ना होती हूँ, तो घर में जो मेरी चीज़ें होती है ना मैं उन्हीं के साथ गुजारा करती हूँ, ठीक है। मेरे पास जो ब्रेड है मैंने वही यूज़ किया, आप बड़ी जो सैंडविचेस के लिए स्पेशल यूज़ होती है आप वो कर सकते हैं। दूसरा स्लाइस मैंने लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने वो जो बंद गोभी तैयार की है, मैंने बताया कि आप एज अ सैलड भी साथ यूज़ खा सकते हैं और जो है ना बीच में भी लगा सकते हैं, मैंने बीच में जो है ना सेकंड स्लाइस पे लगाया, और साथ मैंने ना बॉईल करके एग रखे थे वो बीच में मैंने लगाए हैं और उसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। साथ आप कोई भी अच्छे से सॉस ले सकते हैं, कैचअप यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस, कोई नैंडोस की किसी किस्म की भी आप साथ सॉस खाएँ, और साथ आप चिप्स फ्राई करें, ठीक है, मैंने नहीं की, मेरा ऑयली खाने का आज दिल नहीं था तो फिर मैंने आज चिप्स साथ नहीं फ्राई किए, ठीक है, और आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अच्छे से मज़े से जो है ना क्लब सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, यकीन करें बड़े मज़े के थे, और आपने ना खाने के, मैंने अपने लिए पहला बनाया ना, मैं खा रही थी, मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो मैंने कहा पहले मैं खा लूँ तो ना फिर मैं दूसरे जो है ना बाकी तैयार करती हूँ। तो बिल्कुल आसान से थी, ठीक है ना, आप इसके साथ मज़े से आप बना कर, मैंने तो आपको ज़्यादा वो नहीं दिखाया ना, इतना कोई क्लियर शॉट्स नहीं दिखाए, तो आप जो है इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं आप इसके साथ, ठीक है, और सैलड वगैरह रख के साथ, कोक रख के, अच्छे अच्छे सॉसेस लगा के, तो आप मज़े से खा सकते हैं। इसी तरह जो है ना आपने सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है, मैंने इसी तरह किया कि मैंने सारे जो है ना तैयार कर लिए थे। मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब है, मैं आज काफ़ी दिन बाद जो है ना वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, और ना आपने इसी तरह सारे बन लगा के कि फर्स्ट स्लाइस पे आपने चिकन लगाना है, सेकंड पे आपने जो है बंद गोभी लगानी है सलाद, और साथ आपने ना अंडे लगा के तो उसको आपने ऊपर से बंद करके और इसको काट लेना और मज़े से खाएं, सबको बहुत मज़े के लगेंगे। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखा बहुत आसान था, ठीक है, चिकन भी बॉईल करके वो जो मैंने आपको बताया बहुत आसान था, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे बने हैं, ठीक है। अच्छा, आज आपके साथ ना मैंने थोड़ा सा शेयर करना है कि मैं जो हूँ ना आजकल ऑनलाइन जॉब कर रही हूँ ओरिफ्लेम पे, ठीक है, जो आज मेन मेरा मकसद था दिखाने का। अच्छा, वो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये देखिए, इसकी मैंने उस टाइम क्लियर नहीं थे नज़र आ रही, मैंने ना
बाद में ना मैंने ना थोड़ा सा ना इसको ना लगा के ना बटर, तो इसको मैंने ना तवे के ऊपर ऐसे सेका है। तो आप अगर ऐसे एज अ क्रंची खाना चाहते हैं ना इस तरह से, तो आपने ना अपने उसको बटर लगा के ना अपने सैंडविच को, तो आपने उसको ऐसे रोस्ट कर लेना, ठीक है? तो वो आपको मज़े का लगेगा। ममा वगैरह जो है वो सॉफ्ट ज़रा लाइक करते हैं, जिस तरह होते हैं सैंडविचेस, तो वो। तो यहाँ पे ना मैं नीचे आई थी, पता नहीं मेरा ना चॉकलेट्स खाने को ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने ना अपने ना थोड़े से पैसे वगैरह ना जोड़े हुए थे, मैंने ना बड़े होते गले में ना मैंने ना सिक्के वगैरह डाल के, आप लोग भी करते होंगे जो कॉइन्स वगैरह बच जाते हैं, तो वो ना काफ़ी थोड़े से बने हुए थे कॉइन्स, तो मैंने उनको जल्दी से तोड़वाया ना, तो वो थोड़े से पैसे मेरे बने। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे चॉकलेट्स की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ना उनको ना करवा के ना चेंज, तो मैंने ना अपने लिए ना चॉकलेट ली और ना माइलो लिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने का। अच्छा चॉकलेट किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, पागलों की तरह, बहुत मज़े की लगती है कसम से चॉकलेट। एक बार खा लूँ दिल करता पूरा बंदा डब्बा ही खा जाए। और यकीन करें, ये मेरी एक दिन पहले की वीडियो थी, ठीक है? जिस दिन मैं लाई हूँ ये अगले दिन की है, मैंने अगले मेरे ख्याल से अगले दिन की नहीं, ये डब्बा जो है ना मैंने नेक ऊपर वाला जो हिस्सा था ना वो मैंने खा लिया था 2 घंटों में। वो ड्रामा उस वगैरह ड्रामे वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो पता नहीं चलता, फिर बड़ी होती है जो भी चीज़ साइड पे खा लेती हूँ। तो बस मैंने जो है ना बस इसी तरह जल्दी जल्दी ना खा ली। अच्छा जी, तो मेन बात की तरफ आते हैं, जो आज आप मैंने मैंने आपके साथ करनी थी। मैं दरअसल जॉब कर रही हूँ ऑरी फ्लेम पे, ठीक है? ऑरी फ्लेम जो है वो ब्रांड है स्वीजन का, ठीक है? आप सब भी अगर चाहते हैं वो जॉब करना, तो आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं, ठीक है? मैं इंस्टाग्राम का आपको अपना लिंक दूंगी, आप वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह क्या है कि हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना, ठीक है? उनको हमारी फैमिली में या हमारे जो है ना फ्रेंड्स वगैरह, किसी का भी अगर कोई स्किन इश्यू होता है, और जाहिर सी बात है किसी न किसी के कोई होता है, किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उस लिहाज से हम उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? वो सेलिंग जो हमारी है बड़े अच्छे से हो जाती है। इस तरह के हमने जो है ना कस्टमर प्राइस पर हमने चीज़ को सेल करना है, जो उसके ऑरिफ्लेम पर, ठीक है? कस्टमर उनके जो प्राइस है, आप गूगल से देख के आप कस्टमर को जो है ना वही प्राइस देंगे। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जब खुद रजिस्टर करना है ना उसके ऊपर ऑरिफ्लेम ऐप पे, तो वो हमें एज अ कंसल्टेंट जो प्राइस है ना, हमें वो हमें जो है ना कंसल्टेंट प्राइस पे हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्या होता है कि जब हम उसको कस्टमर प्राइस पे चीज़ सेल करते हैं, तो उसके ऊपर हमें अगर कम प्राइस की प्रोडक्ट है तो हमें उसके ऊपर 100, 200, 300 का प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है, ठीक है? उसके अलावा जो है अगर हम कोई महंगा ट्रीटमेंट, किसी को किसी की ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, किसी को ज़्यादा इशू है, तो उसके हिसाब से अगर हम उसको ट्रीटमेंट या महंगा कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके ऊपर हमें 1000 या इस तरह से भी हमें प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप लोग घर बैठ के जॉब करना चाहते हैं, जो हाउसवाइफ है जो बाहर निकल के नहीं जॉब करना चाहती, तो उनके लिए ये बेस्ट बिजनेस है, ठीक है? बेस्ट आपके लिए जॉब है। उसके अलावा भी इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है? आपने बस जो है मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप, मैं आपको लिंक दे देती हूँ, अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, फजूल बात करने के लिए अगर कोई नहीं इंटरेस्ट, तो मुझसे कोई रابطہ ना करें, ठीक है? मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं होता, ठीक है ना? बिल्कुल मुझे कोई फजूल मैसेज ना इंस्टा पे। अगर आप लोग वाकई में सीरियस कोई करना चाहते हैं, तो मैं आपको तफसीली पूरी उसके ऊपर बात करूँगी। अभी मैंने बिल्कुल आपको एक शॉर्ट सा जो है क्लिप जो है वो बताया, ठीक है ना? शॉर्ट सी एक बात बताई है उसके बारे में आपको कि है क्या जॉब। बाकी जो मेरे साथ तफसीली अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप जो मैंने इस इंस्टाग्राम पे ना लिंक जो मैं आपको देती हूँ उसके ऊपर आप मुझसे बात करें, और अगर आप वाकई जॉब करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। तो ये जो है ना मैं आपके साथ अपने इंस्टा का जो है बिल्कुल मैं आपको ना नेम वगैरह बताती हूँ, तो ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है? ज़ाइना हुसैन 512 के नेम से इस तरह मेरी ऊपर जो है पिक्चर लगी हुई है, ठीक है? आप शेयर मेरे साथ यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपके साथ बिल्कुल एक तफसीली बात करूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।